Records. तो इस एम्पलीफायर को बनाने के लिए तो मैं यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर ले रहा हूँ जिसका आप नंबर देख सकते हैं D882 है, ठीक है। और फ्रेंड्स उसके बाद एक हमें कैपेसिटर लेना है जो कि देख सकते हैं 10 वोल्ट और 470 योक का है। आप इधर उधर ले सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं, फ़र्क सिर्फ साउंड, जैसे इसका वैल्यू चेंज होगा तो इसका साउंड का क्वालिटी चेंज होता रहेगा, ठीक है। और फ्रेंड्स उसके बाद मैं एक 1K का रेजिस्टेंस ले रहा हूँ जो कि आप देख सकते हैं। आप इसे भी थोड़ा इधर उधर हो सके तो ले सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो, ठीक है। और मैं एक 3 इंची का स्पीकर ले रहा हूँ जो कि आप देख सकते हैं, 3 इंची आप गुफर भी ले सकते हैं, 3 इंची में आपको अच्छा साउंड मिल जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स इसे पावर देने के लिए मैं यहाँ पर एक लिथियम बैटरी ले रहा हूँ। आप कोई सा भी बैटरी इसमें यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट डेटा केबल भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसे हम बनाते हैं। और फ्रेंड्स इस बार का जो आज तक मैंने जो भी बनाया, जो भी ट्रांजिस्टर से बनाया है छोटा ट्रांजिस्टर से, तो सबसे अच्छा इसमें क्वालिटी आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। उन सबसे अच्छा मैंने 4202 का बनाया, आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। 13003 का बनाया, 13007, 13009, इन सब का मैंने बनाया, तो आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पर बहुत सारा वीडियो है, लेकिन उन सबसे अच्छा इसमें साउंड आपको मिलेगा। तो चलिए अब इसको हेल्पिंग एंड पे IC यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है तो इसको यहाँ पे मैंने इसको लगा लिया ताकि हमें सोल्ड करने में आसानी हो गई। और इस हेल्पिंग हैंड मैंने ही बनाया था जो कि आप देख सकते हैं, तो आपने इसका वीडियो नहीं देखा था देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लगा लिया इसमें, और एक जो 1K का रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर के 3 नंबर लेग में हमें लगा देना है। तो फ्रेंड्स मैंने लगा लिया, ठीक है। अब इसमें हम लगाना है कैपेसिटर लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने मोड़ लिया है। और फ्रेंड्स कैपेसिटर का जो प्लस पॉइंट है तो प्लस वाला ही है, तो प्लस को हमें इसी ट्रांजिस्टर के 3 नंबर लेग में लगा देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें लगा दिया है फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ऑक्स पिन इसे इनपुट देने के लिए, ठीक है। तो इसका जो माइनस है तो माइनस ट्रांजिस्टर के फर्स्ट वाला लेग में दे देना है, जो इसका लेफ्ट राइट है तो हमें कैपेसिटर के माइनस में लगा देना है। और फ्रेंड्स जो कि आप देख सकते हैं स्पीकर, तो स्पीकर का जो माइनस है और ट्रांजिस्टर के बीच वाले लेग यानी कि 2 नंबर लेग में हमें लगा देना है। और फ्रेंड्स जो स्पीकर का जो प्लस वाला पॉइंट है तो हमें दे देना है रेजिस्टेंस के इस साइड दूसरे वाले लेग में, जो कि आप देख सकते हैं। और बैटरी का अभी माइनस जाएगा ट्रांजिस्टर के फर्स्ट वाले लेग में इसमें, और इसका प्लस जाएगा इसी में, इसी रेजिस्टेंस के दूसरे लेग में, यानी कि डायरेक्ट स्पीकर में भी चल जाएगा नहीं तो यहाँ पर भी, तो इसमें भी मैं लगा लेता हूँ। और फ्रेंड्स इसमें देख सकते हैं इस ट्रांजिस्टर में मैंने एक हीट सिंक लगा दिया ताकि हीट होता है तो हीट होकर ख़राब ना हो, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे माइनस में मैंने बैटरी लगा दिया इसका ट्रांजिस्टर का फर्स्ट वाले लेग में, और यहाँ पे प्लस है तो मैं इसमें यहाँ पे सोल्ड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे स्पीकर में लाइट चला गया है, ठीक है। तो इसमें पावर चल गया है फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसमें साउंड लगाते हैं, चेक करते हैं इसे। तो यहाँ पे मैंने एक इसमें ले लेता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं यहाँ पे NCS का सॉन्ग प्ले करता हूँ। तो आप फ्रेंड्स साउंड सुन सकते हैं, तो फ्रेंड्स आप इसका साउंड सुन, इसमें साउंड बहुत ही अच्छा है। और मैंने आपको बताया था आप इसका कैपेसिटर चेंज कर करके देख सकते हैं, इसमें आपको साउंड अलग अलग साउंड, अगर बेस चाहिए तो इसमें अलग अलग कैपेसिटर आप लगा के इसमें टेस्ट कर सकते हैं, अलग अलग साउंड आएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से फ्रेंड्स बना सकते हैं, ठीक है।
तो और फ्रेंड्स, आपको अपना चैनल प्रमोशन कराना है तो मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है, जैसे जैसे कर उसमें बताया गया है कैसे चैनल प्रमोशन होगा, तो उस वीडियो में जाके देख लीजिए तो आपका चैनल प्रमोशन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में।